हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर में रेतीले मैदानों पर जवानों संग शेखावत ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, योग करें, इसकी आदत बनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर के रेतीले मैदानों पर जवानों के साथ योगाभ्यास किया। शेखावत ने कहा कि नियमित योगाभ्यास हमें निरोगी और ऊर्जामय बनाए रखता है। योग करें, इसकी आदत बनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि योग भारत की सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा और सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ विषय था। व्यक्ति न केवल स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से अपितु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने के दृष्टिकोण से देश में योग की एक लंबी परंपरा थी। योग हमारे जीवन के संस्कार का हिस्सा हुआ करता था, हालांकि कालांतर में ये सब कुछ पीछे छूटता गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 वर्ष पूर्व विश्व में योग को नई ऊंचाई देने का सफलतापूर्वक काम किया। मोदी जी ने संदेश दिया है कि योग जीवन जीने का रास्ता है। पिछले 8 वर्ष में योग पूरी दुनिया में नई ऊंचाई और परवान पर पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति में योग के संस्कार प्राचीन समय से समाहित रहे हैं। यहाँ के लोगों का परिश्रमी व संयमित जीवन, जीवन संस्कार और लोक पुरुषार्थ सदियों से शरीर और मन के आरोग्य के प्रति जागरूक और विवेकशील रहा है। मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि विश्व योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के लोग योग के रूप में विशिष्ट भारतीय संस्कार के साथ प्रतिबद्ध भाव से जुड़कर हृदय से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि मुझे सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, CRPF और जैसलमेर के गणमान्य लोगों के साथ में इस विशिष्ट दिन योग करने का अवसर मिला है। केंद्रीय मंत्री ने रेतीले मैदान पर योगाभ्यास के आयोजन के लिए सीमा सुरक्षा बल और सभी आयोजकों को धन्यवाद दिया। जागरूक टीवी के लिए जैसलमेर से खास रिपोर्ट।